फ्रेंड्स, इस सुंदरता वाले दौर में हर कोई चाहता है कि मैं बहुत सुंदर दिखूं। इसी दौर में हम बात करेंगे लेजर हेयर रिडक्शन मशीन के बारे में। 4-Diode टेक्नोलॉजी इज द अपग्रेड वर्जन ऑफ ऑल दी अदर इक्विपमेंट्स जो कि हेयर रिमूवल में यूज होती हैं। सबसे पहले इसी दौर में आई थी 2-Diode, फिर i3 और सबसे ज्यादा जो अच्छी वाली टेक्नोलॉजी है वो है 4-Diode लेजर मशीन। अब बात करते हैं कि हमें वैक्सिंग क्रीम्स या अदर वैक्स पाउडर के मुकाबले लेजर हेयर रिडक्शन मशीन से ही अपने बालों को क्यों रिमूव कराना चाहिए। बात करें इंडियंस की तो हमारी हेयर के और हमारी स्किन के अलग अलग टाइप्स की स्किन, अलग अलग टाइप के हेयर हैं। किसी की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, किसी की बेबी सॉफ्ट स्किन होती है, किसी की बहुत हार्ड होती है। सेम इज द केस विद हेयर, किसी के बाल बहुत ही ज्यादा रफ और ड्राई होते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, किसी की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा मिनिमल होती है। तो अगर हम किसी ट्रेंड सुपरविजन के अंडर और एक अच्छी मशीन के साथ अपनी बॉडी पे हेयर रिमूवर रिडक्शन यूज करेंगे तो उससे हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता। वैक्सिंग से हमारी स्किन जलने का खतरा, वैक्स पाउडर से स्किन बर्न होने का खतरा और स्किन के हेयर हार्ड आने का खतरा होता है। लेजर रिडक्शन मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि हमारी स्किन के अकॉर्डिंगली, हमारी स्किन के अकॉर्डिंग उसको सेट करके फिर हमारे हेयर ऐसे रिमूव करती है कि हमें पता भी नहीं चलता, ना हमें कभी कोई पेन होती है इससे, और हमारी स्किन के अकॉर्डिंगली वर्क करने से जो हेयर लॉस है वो परमानेंट हो जाता है विद 2 or 3 सिटिंग्स। देखा जाए रिडक्शन मशीन्स बहुत सी जगहों पे यूज होती हैं, बट उनकी जो बात करें प्रिसिशन की वो बहुत कम है और उनके सेशंस हमें बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं और कई बार बहुत से सेशंस के बाद भी हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। बट 4D टेक्नोलॉजी वाली जो मशीन है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको विद इन फर्स्ट सिटिंग में ही फील हो जाएंगे। कंपेयर करें इसे बाकी मशीन्स के साथ तो ये 20 million शॉट्स हमें एक ही सेशन और एक ही सिटिंग में देते हैं, जो कि इसे सबसे ऊपर और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी में लेके आती है। बात करेंगे इसके 4-Diode की। अब ये दूसरी मशीन से क्यों कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि इसमें 4 डायोड हैं जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, वेवलेंथ के साथ हमारे हेयर को प्रिसाइसली और बहुत ही ज्यादा डीपर लेयर्स में जाके पेनिट्रेट करते हैं। पहला डायोड जो है वो है 1.755 नैनोमीटर, जो कि सिर्फ बना है हमारी स्किन की टाइप के अकॉर्डिंगली। ये सेट करता है मशीन को हमारी स्किन की अकॉर्डिंगली ताकि हमारी स्किन को कोई भी नुकसान ना पहुंचे जाए। दूसरी डायोड जो है वो है 2.810 नैनोमीटर, जो कि बनी है बाकी मशीन से हाफ ऑफ द टाइम में ही हमारे हेयर रिमूव करने में। थर्ड वन इज 3.940 नैनोमीटर, जिसकी खासियत है कि ये डीपर लेयर्स में माइन्यूट से माइन्यूट हेयर तक पहुंच के उसको इतनी प्रिसाइजली रिमूव करता है कि वहां से हमें ना तो कोई पेन महसूस होती है और हेयर ऐसे रिमूव होता है कि कई बार वो विद इन फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में ही परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। द लास्ट वन इज 4.106 नैनोमीटर, जो स्पेशली इंडियन स्किन टाइप के लिए बना है, बिकॉज कईयों की स्किन बहुत ही ज्यादा डार्क होती है और कईयों की स्किन का कलर थोड़ा फेयर या कईयों का डस्की होता है, तो ये उस हिसाब से हमारी स्किन कलर के हिसाब से भी उसको तरीके से रिमूव करती है कि हमारे स्किन की पिगमेंटेशन या हमारी स्किन की टाइप को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। लेजर रिडक्शन कराने के टाइम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहां से अपना लेजर करवा रहे हैं, कौन सी मशीन से करा रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी से और किसकी सुपरविजन में करा रहे हैं। वेरी ऑनेस्ट हमें चाहिए कि हम अपने कोई भी ट्रीटमेंट है वो किसी ट्रेंड प्रोफेशनल सुपरविजन के अंडर करवाएं, ताकि जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत मिनिमल हो या इनफैक्ट बिल्कुल भी ना हो। तो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।